सो हाई फ्रेंड, तो कैसे है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राइडर पर सोफ। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इस 100 350 के ऊपर वीडियो है। क्या वीडियो? 100 350 में मैं फॉगलैम इंस्टॉल करने जा रहा हूँ प्रीमियम वाला, जो कि रेड कलर में भी चलने को देखने को मिल जाएगा, व्हाइट कलर में भी चलने को देखने को मिल जाएगा, एंड येलो कलर में भी चलने को देखने को मिल जाएगा। येलो एंड व्हाइट वो तो मेन है, रेड सिर्फ आप बोल सकते हो लुक के लिए है आप बोल सकते हो। सो चलो अब इंस्टॉल करता हूँ। कौन सा फॉगलैम है वो आपको बता देता हूँ। HJG कंपनी का जो प्रीमियम वाला फॉगलैम है 60 वाट का, मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। सो आप मेरे मतलब आप बोल सकते हो मेरे शॉप पे जाके आपको दिखाता हूँ कौन सा प्रॉब्लम है, देन इंस्टॉल करता हूँ एंड आपके साथ शेयर करता हूँ कितना कुछ प्राइस पड़ेगा, सारी चीज़ बता दूंगा। अगर आप खरीदना चाहते हो तो मेरे शॉप पे मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ आपको दे दूंगा मेरे शॉप का। अगर कुरियर भी कराना चाहते हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो चलो अभी सीधा मेरे शॉप पे जाके आपको दिखाता हूँ गाइस। चलो सो गाइस, बाइक का कुछ लुक अभी कैसा है एक बार दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हो कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह इंस्टॉल नहीं होकर रखा है। यह अपन इंस्टॉल करूँगा क्रैश गार्ड पर। सो देख सकते हो पोर्स स्लाइडर क्रैश गार्ड है, यह पर इंस्टॉल करूँगा। सो देखते हैं इंस्टॉल होने के बाद प्रॉब्लम कैसा लुक निकल के आता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। नाइट पर भी दिखा दूंगा कैसा व्यू पॉइंट है 60 वाट का HJG कंपनी का ऑरिजिनल वाला प्रॉब्लम का। सो चलो रेड कलर में भी जलने के टाइम में कैसा लगता है वो भी आपको दिखाऊंगा। मतलब आप बोल सकते हो लुक के हिसाब से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, काफ़ी प्रीमियम वाला प्रॉब्लम है। कितना प्राइस में आपको पड़ेगा वो भी बता दूंगा, ट्रेंडिंग वाला प्रॉब्लम है। बाइक का ओवरऑल लुक भी एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ चारों तरफ घुमा के। अभी बारिश के मौसम है, उसके वजह से बारिश भी आ गया। सो देख सकते हो प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी इंस्टॉल नहीं हो रखा है, दोनों साइड पे आपको दिखा दे रहा हूँ। सो चलो अभी निकल जाता हूँ, मेरे शॉप पे जाके आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम कैसा है, देन इंस्टॉलेशन सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखते रहना। सो चलो गाइस, सो गाइस अभी मेरे शॉप पे आ गया हूँ एंड कौन सा वाला HJG का प्रॉब्लम इंस्टॉल करने जा रहा हूँ ये आप देख सकते हो। पहले आपको बॉक्स दिखा दे रहा हूँ, कुछ ऐसा बॉक्स है, प्रीमियम वाला लाइट है। कौन सा कलर जलेगा देख सकते हो, रेड व्हाइट एंड येलो। व्हाइट येलो ही मेन है, रेड सिर्फ लुक के लिए है। जो मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ ये वाला आप देख सकते हो, ये बिल्कुल सेम है, 60 वाट का है लैम्प, HJG कंपनी का ऑरिजिनल है। QR कोड अगर स्कैन करोगे तो आपको पता चल जाएगा सारे चीज़, 60 वाट का है। एंड अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ, देख लो एक बार। सो कुछ ऐसा इसका लुक है, मतलब यहाँ पर जैसा देखा रहा है सेम है, 60 वाट का है। सो देख सकते हो 4 LEDs इसमें है, 4 चिप्स इसमें इंस्टॉल होके रखा है। एंड इसके साथ ये अब देख सकते हो किट वगैरह सारी चीज़ इसके साथ है। एंड और एक जो है वो भी आपको दिखा दे रहा होगा, देख सकते हो वारंटी कार्ड वगैरह है, लेकिन वारंटी इसका लागू नहीं होता है। मतलब बोल सकते हो वारंटी कार्ड है, लेकिन मैं जहाँ से जिस डीलर से ख़रीदा हूँ वहाँ पर कोई वारंटी वगैरह नहीं देता है। सो उसके वजह से ये चीज़ भी आपके साथ सोचा कि शेयर कर देता हूँ। एंड इसका क्लिप वगैरह सारी चीज़ इसके अंदर है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ नहीं है। सो देख सकते हो क्लैम वगैरह है, एंड जो लेग गार्ड पे इंस्टॉल होगा उसका क्लैम अलग से मेरे को देना पड़ेगा। मेरी शॉप पे सारी चीज़ आपको मिल जाएगा, अगर कोलकाता के आसपास से बिलोंग करते हो तो मेरे शॉप पे आगे प्रॉब्लम का इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ करा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम है, अगर इससे नीचे वाला लेना चाहते हो तो मर्सिडीज़ वाला भी आप ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है, 60 वाट का है, लेकिन इसका प्राइस कम है। ये व्हाइट एंड येलो कलर में जानने को देखने को मिलेगा। एंड ये उससे नीचे अगर लेना चाहते हो तो मिनी टाइप है, ऑरिजिनल HJG कंपनी का है। सो ये भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बहुत सारा है, आउल का भी है, आउल लुक वाला जो होता है। सो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मतलब आप बोल सकते हो किसी भी प्रॉब्लम इंस्टॉल करना चाहते हो तो मेरे शॉप पे आ सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं बोल दूंगा सारी चीज़ कितना कुछ प्राइस वगैरह है। इसका प्राइस भी मैं बता दूंगा एंड के पहले। सो अभी चलते हैं, अभी सीधा मैकेनिक के पास जाता हूँ, देन उसके बाद इंस्टॉल होने देते उसके बाद आपके साथ मिलता हूँ। एंड हाँ, जो क्लैम्प वगैरह है वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्लैम्प एंड स्विच। गाइस MG कंपनी का 2 क्लैम्प इंस्टॉल करूंगा, लेग जो क्रैश गार्ड है उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अभी सिर्फ ऊपर से दिखा दे रहा हूँ, इसके अंदर नट वगैरह मतलब बोल सकते हो बोल्ट LN की बोल्ट सारी चीज़ है। एंड उसके साथ साथ एक स्विच लगेगा। सो गाइस जो स्विच इंस्टॉल करने जा रहा हूँ ये वाला स्विच है, ऑन ऑफ ऑन। सो चलो BSDDP का है। सो चलो बाइक अभी उधर साइड पे, सीधा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखाता हूँ, देन आपके साथ मिलता हूँ गाइस। सो बाय।
A few moments later. So guys, installation का जो process था वो आपको दिखा दिया हूँ, कैसा लगा comment करके बताना. And जो fog lamp install होने के बाद कैसा look दे रहा है आप देख सकते हैं. अभी तो day mood पे आपको दिखा रहा हूँ बारिश के time में, फिर भी जितना हो पा रहा है दिखा रहा हूँ. देन उसके बाद नाइट मूड पे भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के थ्रू. सो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना. अभी तो रेट चल रहा है नॉर्मल वाला, अभी मैं चेंज करके दिखाता हूँ. यहाँ पर स्विच इंस्टॉल किया हुआ, स्विच कहाँ पर गाइस इंस्टॉल किया हुआ ये भी आप देख सकते हो, जो मोबाइल होल्डर था उसके यहाँ पर, क्योंकि हैंडल पे जगह नहीं है. GT650 का क्लिप ऑन हैंडल इंस्टॉल होकर रखा है 150 में, उसके वजह से दोनों साइड के स्विच है, उसके वजह से यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ. आप देख सकते हो रेट चल रहा है. एंड इधर अगर करूँगा तो पहले रेड, देन उसके बाद येलो, देन उसके बाद व्हाइट, देन उसके बाद फिर से येलो एंड व्हाइट, एंड देन उसके बाद ओनली रेड. रेड पे मतलब एक स्विच पे सारा काम हो जाएगा, और इधर उधर साइड पे और एक कनेक्शन था वो सिर्फ रेड पे जलेगा. सो ये चीज़ आपको गाइस बता दिया हुआ. येलो आप देख सकते हो कैसा लूप निकल के आ रहा है. नाइट पे तो आपको अच्छे से पता चलेगा 60 वाट ओरिजिनल HJG कंपनी का फॉगलैम्प का व्यू कैसा है. अभी डे मूड पे जितना हो पा रहा है आपको दिखा रहा होगा, आप लुक चेकआउट करो एक बार. सो चलो अभी मिलता हूँ सीधा नाइट मूड पे, बाय. सो गाइस अभी मैं पूरा अंधेरा जगह पर आ गया हूँ फॉग लैम्प का टेस्ट करने के लिए. सो देख सकते हो अभी नॉर्मल रेड वाला जल रहा है. रेड वाला का जो काम है वो भी एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूँ. पहले लुक देखो ओवरऑल, मतलब सामने का फ्रंट का लुक कुछ कैसा दिखने लगा है कि अगर आप सामने से देखोगे तो कैसा लगेगा. फ़ोन में तो उतना जस्टिस नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ भाई सच्ची में, जो आप मतलब बोल सकते हो ये फॉग लैम्प इंस्टॉल करने के बाद अगर आप देखोगे तो भाई आपको देख के लगेगा कि भाई कुछ है रोड पे. सो ऐसा वाला लुक दे रहा है अभी फिलहाल. मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, मेरा बाइक है उसके वजह से नहीं बोल रहा हूँ, जो सही है वही मैं आपको बता रहा हूँ. एंड इधर साइड से देख सकते हो पूरा रेड रेड हो गया है, जो हैंडल वगैरह है उसमें भी आपको रेड देखने को मिल जाएगा. एंड इधर साइड पे देख सकते हो दो सिग्नल, आप बोल सकते हो बॉर्डर टाइप गया है रेड कलर का. एंड इधर साइड पे दो बॉर्डर गया है रेड कलर का. इसका जो काम है गाइस आप बोल सकते हो, जो रोड का लेन है ये सही है कि नहीं ये देखने के लिए आई थिंक इसको दे रखा है कंपनी वालों ने, मेरे को तो यही लगता है. अगर आपको ये पता है कि ये किस काम के लिए है तो कमेंट करके बताना. आई थिंक मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ये लेन देखने के लिए ही है. सो ये तो गया रेड कलर का. अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ येलो. अभी उतना ज़्यादा अच्छे से सेट नहीं होकर रखा है, लेकिन फिर भी जितना हो पा रहा है आपको दिखाता हूँ. पहले फ्रंट से दिखाता हूँ कैसा लग रहा है. सो गाइस देखो फ्रंट से दिख रहा है, मेरा बादर अभी बैठ गया है. एंड लुक देखो भाई खतरनाक लुक, मतलब मोबाइल पे जस्टिस नहीं हो पाएगा. मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ, देन उसके बाद मैं रियल में देख रहा हूँ भाई, जमीन आसमान का फर्क है. एंड नीचे से एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा है. फिर भी मोबाइल पे जितना हो पा रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ गाइस, काफ़ी बढ़िया लग रहा है. अभी व्हाइट व्हाइट ऑन करके नहीं, अभी व्यू दिखा देता हूँ, देन व्हाइट आपको जला के दिखाऊंगा. सो गाइस व्यू चेकआउट करो, थोड़ा सा रोड के बाहर साइड पे जाओ थोड़ा सा. हाँ बस गाइस येलो कलर का व्यू आप चेकआउट कर सकते हो. अभी थोड़ा नीचे के तरफ है ये, अगर थोड़ा ऊपर कर दूंगा तो और भी ज़्यादा आपको व्यू देखने को मिलेगा. लेकिन जहाँ पर पड़ रहा है भाई पूरा येलो कर दे रहा है, ऐसा आपको नहीं लगेगा कि भाई थोड़ा लाइट कम लग रहा है. तो आपको लगेगा कि भाई जो लाइट का व्यू है भाई इससे अच्छा और मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ. एंड गाइस अभी आपको वाइट कलर का जो व्यू है वो दिखाता है, वो मेन चीज़ है क्योंकि वाइट ही ज़्यादा लोग जलाता है. सो गाइस चेकआउट करो वाइट, अलग सा ही एक लुक दे रहा है. कैमरा में जस्टिस नहीं हो पा रहा है सॉरी गाइस, लेकिन जो रियल में अगर आप इंस्टॉल करोगे तो रियल में आप अगर देखोगे तो भाई खतरनाक लुक दे रहा है, खतरनाक. सो कुछ ऐसा है इधर साइड से एंड उधर साइड से कुछ ऐसा है. अभी व्यू आप देखो गाइस, व्यू देखो पूरा जो रोड है गाइस, देखो पहले पूरा रोड वाइट है बिल्कुल, मतलब आपको कई जगह पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि भाई इधर साइड पे थोड़ा कम लग रहा है, उधर साइड पे थोड़ा कम लग रहा है. पूरा रोड जो है रोड, मैं जिस रोड पे अभी वीडियो कर रहा हूँ बिल्कुल सीधा रोड है. सो उसके वजह से आपको दिखाने का जो प्रोसेस है वो भी मेरे को काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि सीधा रोड है. एंड सीधा रोड पे कितने तक जा रहा है आप देख सकते हो, मतलब पूरा जा रहा है. कितना मीटर मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन जितना हो
पड़ा है आपको दिखा रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो भाई आपको इससे ज़्यादा अच्छा लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा दूसरा कोई अगर लाइट इंस्टॉल करोगे तो। ये बिल्कुल बेस्ट है, बेस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मान के चलो कि इससे अगर थोड़ा सा लो बजट का भी आप लाइट इंस्टॉल करोगे तो फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ऐसा वाला कोई दिक्कत नहीं आएगा कि लाइट का हमें, ये तो काफ़ी ज़्यादा है लाइट। एंड इसके बाद और एक है मूड, आप वो ऑन करो। इसके बाद गाइस है योलो एंड वाइट, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ये मिक्स्ड है, योलो एंड वाइट का मिक्स्ड है। सो ये भी इसका भी व्यू पॉइंट एक बार दिखाऊंगा, कैमरा पे तो सामने से आपको देखने को नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छे से। सो आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ योलो आपको देखने को मिलेगा एंड दूर में वाइट कलर आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो ऑल्टो जा रहा है, उसका लाइट का कोई भी व्यू नहीं देखने को आपको मिलेगा, सिर्फ मेरा जो मतलब ये फॉग लैंप है, ओनली फॉग लैंप, हेड लैंप ऑफ है पूरा। अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हेड लैंप पूरा ऑफ है, बिल्कुल आप देख सकते हो भाई, खतरनाक है, लाजवाब है। मेरे को तो पर्सनली अब अगर पूछा जाए तो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, मेरे शॉप से लिया हूँ, ऐसा वाला कोई बात नहीं है। पर्सनली पूछा जाओगे तो ये लाइट मेरे को 8-3 लगा, मेरे हिसाब से भाई बेस्ट है, बेस्ट मतलब परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट से भी ऊपर है, क्योंकि प्रीमियम वाला लाइट है, इसका कॉस्ट भी थोड़ा हाई है। कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो भाई बेस्ट है, आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को तो काफ़ी पसंद आया है, अभी चलाते टाइम थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, आप देखो, देन आपके साथ मिलता हूँ कितना प्राइस है उसको लेके। सो गाइस अभी मेरा बाबा बाइक चला रहे हैं एंड मैं पीछे से दिखा रहा हूँ इसका व्यू पॉइंट कैसा है, आप देखो गाइस, सिर्फ लाइट दिखाऊंगा, बाइक नहीं दिखाऊंगा। सो ये अब देख सो, अभी फॉग लैंप ऑन हो गया है, हेड लैंप जल रहा था, सो देख सकते हो फॉग लैंप का व्यू पॉइंट कैसा है गाइस। सो चलो एंड देन इसके बाद अभी वाइट का व्यू देखो गाइस, काफ़ी बढ़िया है भाई, चेकआउट करो, चेकआउट करो गाइस, लाजवाब लाजवाब है। थोड़ा बहुत ही दिखा रहा हूँ, नहीं तो उधर साइड पे मेरा बाइक है, पूरा रात हो गया है उसके वजह से, चलो घुमा लो जितना हो पड़ेगा सबको दिखा रहा हूँ। अभी इधर साइड से घुमा लेंगे मेरा बादल बाइक को, देखो अभी अभी दो ऑन करो, वाइट एंड योलो, अंधेरा में भी। सो चलो इधर से अच्छा भी निकल जाऊंगा, अब वीडियो देखो गाइस। सो गाइस आपको नाइट का व्यू जो था फॉग लैंप का वो आपको दिखा दिया हूँ, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मोबाइल तो उतना जस्टिस नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी जितना हो पाया है गाइस आपको दिखा हो पूरा अंधेरा में। अगर आप रियल में देखोगे तो भाई आपको लगेगा कि भाई 8-8 है। सो एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो लाइट है गाइस इसका वाट जो है 60 वाट, अगर आप छोटा बाइक में इंस्टॉल करना चाहते हो तो भाई मैं बोलूँगा कि थोड़ा इससे जो कम वाट का लाइट है EJG कंपनी का ओरिजिनल, सो वो लो। अगर आपका जो बाइक है थोड़ा सा आप बोल सकते हो हायर सीसी में है, या फिर आप बोल सकते हो बैटरी बड़ा है, सो उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई ये लाइट बेस्ट है, आप ले सकते हो, गो फॉर इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे शॉप पे भी है, अगर आप कुरियर वगैरह कराना चाहते हो तो सारे चीज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड गाइस अभी बात कर लेते इस लाइट का प्राइस को लेके, उसके पहले एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, इसका जो मूड वगैरह है ये देख के आपको भाई काफ़ी बढ़िया लगेगा। ऐसा वाला एक EJG का है, सिर्फ व्हाइट कलर में चलता है, योलो कैप, वो बहुत ही ज़्यादा चलता है और बहुत दिनों से चल रहा है, जो टूरिंग वगैरह करते हैं जो भाई लोग, सो वो तो इंस्टॉल करता ही है वो वाला लैंप। लेकिन उसका अपग्रेड वर्सन आप बोल सकते हो, इसका व्यू वगैरह काफ़ी बढ़िया है, मोबाइल पे उतना जस्टिस नहीं हो पाया है, फिर भी जितना हो सके आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीदने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ एक चीज़ खरीदा हो, एक लैम्प मतलब बोल सकते हो फॉग लैम्प खरीदा हो, इससे ऊपर का आई थिंक मेरे हिसाब से भाई नॉर्मल में इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलेगा भाई, आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। EJG ब्रांडेड कंपनी का फॉग लैम्प है, अच्छे मैकेनिक से अगर इंस्टॉल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सो चलो ये तो हो गया, अभी बात कर लेते हैं इसका प्राइस को लेके। ये अगर खरीदना चाहते हो मेरे शॉप से तो आपको पड़ेगा 3000 रुपीज़ इसका कॉस्ट दोनों का, तो पूरा सेट आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के थ्रू। सो अगर आप खरीदना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो जा रहा है, वहाँ पर कॉल करके कुरियर वगैरह का सारे प्रोसेस जो है वो पूछ सकते हो, मैं सारे चीज़ आपको डिटेल्स में बता दूंगा।
होगा, कुरियर भी हो जाएगा। हाँ सीओडी अवेलेबल नहीं है, लेकिन भाई भरोसा कर सकते हो, मेरा खुद का शॉप है एंड बहुत दिनों से मैं भाई यूट्यूब कर रहा हूँ। अभी तो थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है, क्योंकि सब्सक्राइब वगैरह बहुत ही कम है, व्यू भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ एक बार आपको बता दे रहा हूँ। और एक चीज़ गाइस, अगर आप अच्छे से सपोर्ट करोगे तो भाई ये बाइक को आप मतलब जैसा आप बोलोगे मॉडिफिकेशन वैसा करके दिखा दूंगा आपको। सो ये चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान में रखना, मतलब थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों का, थोड़ा प्यार का ज़रूरत है। कमेंट वगैरह करो भाई, मेरे को अच्छा लगेगा कमेंट। अगर किसी भी वीडियो वगैरह आपको चाहिए तो वो भी कमेंट करके मेरे को बोलो, तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगेगा। एंड कमेंट करके कुछ भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा करने के लिए, कोशिश करूँगा किया मतलब ला दूँगा आपके लिए वो वीडियो। सो बस ये चीज़ एक बार आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। हंटर के ऊपर कुछ भी मॉडिफिकेशन हो तो कमेंट करके बताना, आपको देखने को मिल जाएगा मेरे बाइक पे। एंड वो चीज़ अगर खरीदना भी चाहते हो तो वो भी मेरे शॉप पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि GT650 का हैंडल वगैरह भी आपको मिल जाएगा। एंड हाँ गाइस, किसी भी भाई लोगों के पास हंटर वगैरह है तो भाई शेयर करो वीडियो को भी, दिखाओ कि मॉडिफिकेशन वगैरह कैसा मतलब करके रखा हूँ। एंड किसी भी आप बोल सकते हो कैसा मॉडिफिकेशन चाहिए हंटर, वो भी मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, मेरे को नॉलेज दे सकते हो। सो मैं वैसा वाला मॉडिफिकेशन निकाल लूंगा आपके लिए। सो बस ये चीज़ बता दिया हूँ। अभी गाइस यहाँ पर वीडियो को एंड कर रहा हूँ। 3000 रुपीज़ इसका कॉस्ट है फॉग लैंप का, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो मेरे शॉप से। एंड हाँ, स्विच का कॉस्ट आपको 200 रुपीज़ पड़ेगा, और उसके साथ साथ दो क्लैंप लगा है BHDDP का, उसका भी कॉस्ट पड़ेगा दोनों का 200 रुपीज़। सो ये आप जोड़ लो, जोड़ के जितना हो रहा है वही कॉस्ट पड़ा है, टोटल आप बोल सकते हो 3400 रुपीज़ में पूरा काम कम्प्लीट, मतलब पूरा जो एक्सेसरीज का जो प्राइस है आपको कम्प्लीट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा करके कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा आपको फोगलैम इंस्टॉल करने के लिए। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली HGG कंपनी का है, उसके वजह से तो अच्छा ही होगा भाई। सो चलो यहाँ पर इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ये रहा है कुछ फोगलैम का व्यू, अभी रेड कलर जल रहा है, रेड भी भाई खतरनाक लग रहा है, मतलब रोड प्रेजेंट काफ़ी बड़ी आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ बोल दे रहा हूँ, खरीद लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ क्या बोल रहा था। सो बस यह पर वीडियो को एंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना माय चैनल पर इस राइडर पर। सो बाय, हैप्पी गुड डे बॉयज, बाय। मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया वीडियो लेकर आपके साथ। एंड हाँ, किसी भी बाइक का अगर मॉडिफिकेशन चीज़ खरीदना है तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है, मेरे शॉप पे सारा बाइक का आपको मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज मिल जाएगा, एक बार कॉल कर लेना। अगर कोलकाता के आसपास से बिलोंग करते हो तो आ सकते हो मेरे शॉप पे। सो बाय, हैप्पी गुड डे बॉयज। एंड हाँ, हेलमेट भी सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। बाय।